अपने मेरी बेटी बहुत प्यारी लगने लगी है। अप एंड डाउन हमारी दोस्त मिल गई। ये देखिए इसका कर्तव्य यही होता है। लाइफ में पहली बार ऊंट पे चढ़े हैं और अभी ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, लगभग 1.5 महीना के बाद। और जो छोटी वाली बेटी है वो मम्मी के पास है। ये मम्मी आ गई है, ये सुबह सुबह उठ के रो रही थी, इसको हम जैकेट पहना दिए इसलिए। और देखिए पापा को नजर पड़ा था और रोने लगी। जा। देखिए इसका यही होता है सुबह सुबह रोना। मैं सुबह सुबह कुछ कर रही थी तो प्रेम जी आकर खुशखबरी दिए। खुशखबरी ये है कि आज बगल वाला जो मैदान है वहाँ पे ऊँट आया हुआ है। तो हम सोचे क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए और आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो प्रेम जी आगे चल रहे हैं बेटी को लेकर और यहाँ पे मम्मी ली है। हाय बोलो मम्मी। हाय। और ये प्यारी सी बिटिया, लेकिन इसको भी लेके जा रहे हैं सुबह सुबह, ये भी जग गई है। तो चलिए आप लोग को ऊँट दिखाते हैं। और मैं भी पहली बार देख रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ देखा है, 2013 में जब मैं पंजाब गई थी उस समय देखी थी, उसके बाद फिर कहाँ, इधर नहीं। अब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह सुबह मैदान में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और सोच रहे हैं कि अगर बैठने के लिए मिलेगा तो उठ पे भी बैठेंगे। दीदी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अभी मेरा ऑपरेशन का ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है इसलिए। यहाँ पे बच्चा लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। डेजी को मैदान में अपना दोस्त मिल जाता है तो इसलिए यहाँ पे मस्ती करते रहती है। क्या हुआ डेजी, तुम्हारी दोस्त मिल गई? ये देखिए इसका कर्तव्य यही होता है मैदान में आकर। वहाँ प्रेम जी बैठे हुए हैं बेटी को लेकर। क्या हुआ, अब क्या सोच रहे हैं डेजी को? वहाँ डेजी झगड़ा कर रही इसलिए वो देख रहे हैं डेजी को। प्रेम जी यहाँ पे जॉगिंग करने आए थे तो सुबह सुबह जाए खुशखबरी दिए हैं और देखिए पसीने पसीने हुए हैं। हम अचानक से देखे तो हमको लगा रहे हम सपना देख रहे हैं क्या। 7-8 ऊँट आ गया हम का मैदान में, आते तो सपना ही होता है। नहीं, सच में ऊँट आया हुआ है। और आप चश्मा पहनते तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिए यहाँ पे बकरिया भी है, लोग सामने में यहाँ पे देख रहे हैं तो मैं बोलने में हिचकिचा रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है लेकिन इन लोग अभी गंदा है, इतना साफ सुथरा नहीं है और कितना बड़ा दिख रहा है। मेरी बेटी इतना ज़्यादा बदमाश हो गई है कि ये मैदान में आती है चाहे कहीं पर रहे, बस इसको गोदी लेना है। क्या हुआ, क्यों गोदी लेना, क्यों रो रही है तुम? हाँ गंदी लड़की छी। कैसा लग रहा है आपको मैदान में आकर बेटी को लेकर आज घूम रहे हैं? बेटी भी थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, देखती मैदान का ना। हाँ का बॉल लेकर के आना चाहिए था ना, खेलती खेलती। बात सही है, सुबह सुबह हम लोग मैदान में आ गए हैं, नाश्ता भी नहीं बना है। और मेरी बेटी बहुत प्यारी लगने लगी है, शायद उन लोग अब जा रहे हैं क्या। डर लग रहा है ना, ये बंद आ गया ढेर सारा है। हाँ बहुत है। मुझे तो चढ़ने का मन है लेकिन मम्मी लोग नहीं चढ़ने दे रही है कि ऑपरेशन का शरीर है इसलिए। बेटी भी चढ़ेगी, जा रहे हैं प्रेम जी पैसा लेने गए हैं तो चढ़ेंगे। पापा और बेटी चढ़ेंगे ना बेटा ऊँट पे, देखते हैं टच करके भैया से पूछते हैं टच करना है कि नहीं। ये लगता तो हाथ में घुस, मुंह में हाथ में घुस, डर लग रहा है हमको। लगे कितना क्यूट है ना, छोटी वाली बेटी से लेके आते हैं हम। दादा आई मोबाइल आ गया, हम लोग मोबाइल आ गया, जाने दो बेटा। अरे अंकल जी चढ़ा दिए, तुम पापा के साथ चढ़ना ना, पापा आ रहे हैं, डर रही है।
बता रहे हैं कैसे कैसे चढ़ना है इसे। बराबर खुजाओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा चढ़ना चढ़ना, तुम भी चढ़ना, तुम भी चढ़ना, जा जा। उसको लगे घर बांध के आएगा। कैसा लग रहा है? खेल रहा है? डर रहे हो? देखिए लोग डर रहे हैं सर। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बहुत अच्छा लग रहा है। डर लग रहा था पहले, अब बच्चा लोग सब कोई पीछे पीछे चल रहा। और प्रेम जी आके बताएंगे नीचे कैसा उनका रिएक्शन रहा। गले लगा है बेटी को, डर रही है क्या बेटी? अब इन लोग उतार रहे हैं, दो ही राउंड होता है। उतार दीजिए नीचे, उतार के बेटा कैसा लगा बेटू? अब पापा उतरेंगे, पापा को पकड़ के उतारेंगे क्या? हमारे ऊँट पर बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है ना जी भैया। कहीं गिर गया, कहीं क्या हुआ, आपको हमारा जवाबदेही होता है, इसलिए हम लोग छोड़ते नहीं। कैसा लगा ऊँट पे चढ़ के आपको? वाला कहावत याद आ रहा था, जब किस्मत खराब होती है ऊँट पे चढ़े हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, इसलिए हम डेजी को घर छोड़ के आए थे ताकि वो काटे नहीं। और आप कभी चढ़े थे? नहीं, ऊँट पे कभी नहीं चढ़े थे, ऊँट पे कभी नहीं चढ़े थे, उनका झूठा। वीडियो में तुम लोग कुछ तुमको प्रूव कर देंगे हम लोग बाद में दिखा के, अब याद तो रहेगा नहीं। ऊँट पे चढ़े थे छोटी वाली बेटी तो चलेगी, इसके साथ फोटो वोटो लेते हैं। और प्रेम जी मस्ती की, हमको भी चढ़ने का मन कर रहा है लेकिन इन लोग नहीं चढ़ने दे रहे हैं। चढ़ो, तुम भी चढ़, तुम भी चढ़ सकती है, अकेले चढ़ सकते हैं, अकेले चढ़ सकते हैं। डर लग रहा है छूने में। देखो कितना सारा बच्चा पार्टी है। बाबा ऊँट की सवारी पकड़ के, वो जो बांस है बांस को पकड़ो। नहीं बे, छोड़ दो बेटी को, छोड़ो तुम अपना अपने। अरे वाली कुली डॉक्टर है। उतरेगी क्या? छोड़ दो पिंकी उसको। आज तो सबका वांदे हो गया। ओ देखो मम्मी। हाँ तो छोड़ दो बांस, छोड़ दो बांस, छोड़ दो। अरे छोड़ दो ना, कोई जरूरत नहीं है पकड़ने का। छोड़ो ना बांस, छोड़ो ना, अच्छा दिखेगा। अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, घूमते रहे। कितना लोग यहाँ पे, बाप रे यहाँ तो मेला लग गया है आदमी सब। मजा आ रहा है लेकिन। झूला झूली नहीं, मम्मी नहीं चढ़ने दे रही थी, मम्मी जब चली गई घर तब जाके चढ़े। नहीं
अरे रहने दो बेटी को, मत लो पिंकी। नहीं थोड़ा फोटो खींच लीजिए। मैं तो बहुत ज्यादा डर रही थी जब उतरते समय, बहुत डर रहा। नहीं बहुत अचानक है ना। हाँ आगे की ओर शुरू में, फिर पीछे की ओर, मतलब बैठा कर हमको उतारा जा रहा था। थैंक यू भैया। लेकिन अच्छा लगा, पहली बार लाइफ में पहली बार ऊंट पे चढ़े हैं। और अब भी ना अब जाते हैं नाश्ता उस्ता। मम्मी चली गई नाश्ता उस्ता बनाने, सोचे कि छोटी वाली बेटी को लेके मतलब रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन वो भाग गए। अगर वो रहते तो नहीं चढ़ने देती हमको।